हेलो क्रिकेटर्स, क्रिकेट कार्डियो की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्रिकेटर्स, पिछले ही हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रंट फुट डिफेंस के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम बैटिंग के बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि बैक फुट डिफेंस करने का सही तरीका क्या होता है, उसमें अक्सर लोग क्या गलतियाँ कर देते हैं और किन किन ड्रिल्स को यूज़ करके हम बैक फुट डिफेंस को परफेक्ट बना सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो लाइक करना है और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब सीधा हम चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको सिखाता हूँ बैक फुट डिफेंस कैसे किया जाता है। तो क्रिकेटर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस लाइन और लेंथ की बॉल को हमें बैकफुट डिफेंस करना चाहिए। सबसे पहले हम लाइन की बात करें तो यार, लाइन जो आपकी होती है, देखो यहां पे आप स्टांस लोगे तो मिडल स्टंप, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के जो थोड़ी सी बाहर बॉल गिरती है तो आप इसे बैकफुट डिफेंस कर सकते हो। अगर लेग स्टंप पे गिरेगी यार, इसको तो आप लेग ग्लांस कर दोगे तो ये चला जाएगा पीछे फाइन लेग की साइड। तो मिडल स्टंप, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की बॉल हो सकती है। और वहीं पे हम लेंथ की बात करें तो शॉर्ट ऑफ लेंथ पे बैकफुट डिफेंस किया जाता है। इतनी भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए कि उस बॉल पे पुल शॉट लग जाए, थोड़ी सी शॉर्ट होनी चाहिए, गुड और शॉर्ट के बीच में होनी चाहिए, उसको आप अच्छे से बैकफुट डिफेंस कर सकते हो। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, प्रॉपर टेक्निक दिखाता हूँ कि क्या सही टेक्निक होती है बैकफुट डिफेंस को करने की। क्रिकेटर्स, प्रॉपर बैकफुट डिफेंस की टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले आप कोई भी शॉट सीख रहे हो, सबसे पहले आपको स्टांस ले लेना है। यहाँ पे देखिए, लेग स्टिक का मैंने गार्ड ले रखा है यहाँ पे ऐसे, और मैं अपना स्टांस लेके खड़ा हो चुका हूँ, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये बेसिक सबको पता ही होंगे। इसके बाद आपकी फुट की मूवमेंट आती है सबसे पहले बैकफुट डिफेंस में। जैसे ही आपने लाइन और लेंथ जज कर ली है बॉल की, उसके बाद आपको बैक एंड अक्रॉस जाने चाहिए आपके पैर। बैक का मतलब तो ये होता है, और बैक और अक्रॉस का मतलब होएगा ये पैर थोड़े से साइड में जाएंगे, आपके तीनों स्टंप्स को कवर करेंगे। अब मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, पैर की मूवमेंट बैक और अक्रॉस ऐसे आ गई है। और जैसे आपकी बॉल डिलीवर होने वाली है, शोल्डर और हेड आपकी साइड ऑन होनी चाहिए, ऐसे ओपन चेस्ट नहीं होने चाहिए। काफ़ी प्लेयर्स ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो ओपन अप हो जाते हैं और फिर यहाँ से एज लेके कीपर के हाथ में चली जाती है कैच। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, स्टांस, बैक एंड अक्रॉस, और ये देखिए बॉल आई और टॉप ऑफ द बॉल ऐसे। आपकी ये वाली जो एल्बो है ये हाई रहेगी, आपको ऐसे तोड़नी नहीं एल्बो। काफी क्रिकेटर्स ऐसे कर देते हैं, ये खोल देते हैं। प्रॉपर टेक्निक मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक और अक्रॉस और ऐसे, बैट बॉल और हेड सेम लाइन में होने चाहिए, अगेन बैक अक्रॉस और ऐसे, जितना ऊपर हो सके उतना ही ऊपर से खेलना, आपको ऐसे नीचे होके नहीं खेलना है। अब मैं आपको साइड से भी करके दिखा देता हूँ, साइड में से ये कैसे आपको देखने को मिलेगा। अब क्रिकेटर्स, में साइड वाले एंगल से भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि साइड का पोस्चर भी आपको अच्छे से पता लग पाए। ये आपको स्टांस लेना है, बैक और अक्रॉस पैर जाएंगे आपके, और जैसे ही बॉल की लाइन और लेंथ आप जज कर लोगे उसके बाद ऐसे, ये देखिए बैट आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा स्लांटेड है, मेरा ऐसे सीधा बैट नहीं है। अगर आप ऐसे बैट रखोगे क्रिकेटर्स, तो जैसे आपकी बॉल लगेगी वो सीधा बॉलर के हाथ में कैच जा सकता है। तो कभी भी सीधा बैट नहीं रखना है, ऐसे हमें टिल्ट रखना है। दोबारा दिखाता हूँ, स्टांस, बैक अक्रॉस और ऐसे, जितना हो सके टॉप ऑफ द बॉल आना है आपको। ये वाला पैर थोड़ा सा बेंड रहेगा, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा बेंड रहेगा, और ये ऐसे हेड के नीचे आपको बॉल को खेलना है, और जितना हो सके इस वाले एरिया में बैकफुट डिफेंस खेला जाता है। अगर आपके इस वाले एरिया में बॉल आ रही है तो आप इसको पंच कर सकते हो, ठीक है। पंच के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट ये वाली बैकफुट डिफेंस के लिए है। अब क्रिकेटर्स, आपकी गलतियों की बात करें तो यार, सबसे पहले तो देखिए, काफ़ी क्रिकेटर्स तो बैक एंड अक्रॉस अच्छे से नहीं जाते हैं, वो अपनी स्टंप्स को अच्छे से कवर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, बॉल ऑफ स्टंप की होती है और वो बिल्कुल ऐसे पीछे चले जाते हैं और दूर से ऐसे खेलते हैं, तो बैट फेंक देते हैं और इससे एज लग के आपके स्लिप में कैच जा सकती है, फिर कीपर को भी कैच जा सकती है। अब दूसरी गलती आप में से काफ़ी सारे ये वाली करते हैं कि वो नीचे से बेंड हो जाते हैं। तो यार, अगर इतनी बेंड होने की ज़रूरत पड़ रही है तो ये वाली बॉल आप आगे खेलिए, फ्रंट फुट डिफेंस बनाइए इसे। तो बैक फुट डिफेंस का क्या है, आपको बॉल के ऊपर चढ़ना है ऐसे, ओके, पूरा टॉप ऑफ द बॉल। क्रिकेटर्स, ड्रिल्स की बात करें तो तीन सिंपल ड्रिल हैं जो आप यूज करके अपने बैक फुट डिफेंस को काफी इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहली ड्रिल तो है शैडो, जितना हो सके आपको शैडो करनी है। देखिए, कोई बॉल आपको खेलनी नहीं है, बस जाना है बैक एंड अक्रॉस और ऐसे,
यहाँ पे जितना हो सके इस पोजीशन पे होल्ड कीजिए, जितना ज़्यादा आप होल्ड करोगे उतनी आपकी बॉडी अडेप्ट होती जाएगी बैकफुट डिफेंस को लेके। सेकंड ड्रिल की हम बात करें तो यार आप अपने हैंगिंग बॉल, बॉल को कहीं पे भी लटका के, आप घर में भी कर सकते हो, ग्राउंड में भी कर सकते हो, बॉल को लटका के और जितना हो सके उसे पीछे जाइए और ऐसे रोकिए बॉल को जितना हो सके। यहाँ पे आपको वीडियो नजर आ रही होगी, मैं भी बैकफुट डिफेंस की ड्रिल्स करता था और अभी भी करता हूँ। थर्ड ड्रिल की हम बात करें तो थर्ड ड्रिल में आपको अपने एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी, वो दोस्त आपको बेंड होके ऐसे नी पे बेंड होके आपको ऐसे फीड करेगा बॉल, और आपको यहाँ पे वही जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई अभी पहले वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके अपना बैकफुट डिफेंस करना है। तो क्रिकेटर्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक चीज़ मैं आपको पूछना चाह रहा था कि यार जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि IPL का फाइनल होने वाला है, तो चेन्नई जीतेगी या फिर कोलकाता जीतेगी, कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं तो चेन्नई का सपोर्ट करने वाला हूँ। क्रिकेटर्स अब मिलेंगे अगली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और क्रिकेट खेलते रहिए। Bam zi bam zi bam bing bing boo, tin tin sustain a zee.